काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे मेंटोर हैं, गुरुजी भी हैं, श्री सुरेश शर्मा जी। एक पेंटिंग कंपटीशन उन्होंने अपने जे एंड के फाइन आर्ट सोसाइटी के स्टूडियो में जो है आज ऑर्गेनाइज किया एंटी ड्रग्स और एंटी स्मोकिंग पे, और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं पीछे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी उनको टाइम दिया गया है 1.5 आवर्स का, और उसमें वो अपनी जो भी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। आई एम इन्वाइटेड एज अ जज। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिनसे हम बचपन में सीखे हैं, जिनसे इंस्पायर हुए हैं, आज उन्हीं के एक इवेंट में एज अ जज आने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैसे देखते हैं कि जो यूथ को अवेयरनेस जो प्रोवाइड की जा रही है इस मंच से, आपको लगता है ये बच्चे याद होंगे? बिल्कुल सही बात है। जैसे हमें बचपन में बताया जाता है कि कुछ हम अगर कुछ चीज़ सुनते हैं तो वो थोड़ा याद रखते हैं, अगर वो चीज़ बनाते हैं तो उसको ज़्यादा याद रखते हैं। ऑब्वियसली जो हमारा यूथ होता है वो आगे आने वाला फ्यूचर होता है, तो आज वो अगर अपने थॉट्स को पेंटिंग के थ्रू अगर आप वो क्रिएट कर रहे हैं तो आगे ऑब्वियसली वो बड़े होकर इसी चीज़ को आगे प्रमोट भी करेंगे, अवेयर भी करेंगे। ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, और एंटी स्मोकिंग और एंटी ड्रग्स ये टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि आजकल ये जो बच्चों में खासकर ड्रग्स का जो चल रहा है ये बड़ा ज़्यादा चल रहा है। इसको रोकने के लिए बच्चों के थ्रू एक पेंटिंग कंपटीशन रखा गया है, जो बच्चे अपने क्रिएटिविटी से एक मैसेज देंगे, क्योंकि नशे ये बच्चे जो है ये हमारा फ्यूचर है, क्योंकि इनको अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इस तरह से एग्जीबिशन करता रहता हूँ पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को अवेयर करने के लिए कि इस साइड ना जाएं, कोई अच्छा ही काम करें आप। तो सर कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चों के लिए? मैसेज जैसे कि आज ये कंपटीशन कर रहे हैं, इसमें हमने ग्रुप बनाए हैं, दो ग्रुप बनाए हैं, इसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और कुछ कंसोलेशन प्राइज देंगे बच्चों को, और जो बेस्ट पेंटिंग होगी बाद में इनकी एग्जीबिशन भी करेंगे हम। तो मतलब इनको एक मंच मिलेगा? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म हमने दिया है एक जे के फाइन आर्ट सोसाइटी, प्रथम कला निकेतन और प्रोजेक्ट नेली जो है मिल के हम काम कर रहे हैं। यहीं नहीं करेंगे हम, जम्मू में जगह जगह करेंगे, हर मोहल्ले में करेंगे, हर स्कूलों में करेंगे। क्या लगता है जो स्टूडेंट है कल का, आपका स्टूडेंट होगा तो आप जज लेके आ रहे हैं, लगता है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है, कहना की बात करो? हाँ, बड़े सारे स्टूडेंट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम करना, आर्ट के थ्रू एक मैसेज देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कन्नव जो है ये भी इस मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और बड़े सारे बच्चे जुड़ेंगे और सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देंगे हम इस टाइप का काम करके। आपके स्टूडेंट ने सर नई टाइप का फॉर्म लिया है, प्रोजेक्ट ने लीजिए नाम भी दिया, कैसा हाँ लगता है कि जो बच्चे के नक्शे बड़ा अच्छा है, क्रिएटिविटी है इनकी, अपनी क्रिएशन है। अब कुछ एक नया काम है इनका, जो आपने देखा होगा कि कुछ पेंटिंग ग्लो पेंटिंग कर रहे हैं जो नाइट में ग्लो करती हैं, तो वो भी एक मैसेज है, एक कनव की नई क्रिएशन है। और साथ में प्रथमांश भी कुछ नया काम कर रहा है, अभी आपने देखा इसको ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाने का बड़ा इंटरेस्ट है, तो पेंसिल वर्क करता है। मेरा ये मकसद है कि बच्चों को जो आलतू फालतू चीज़ों में पड़े हुए हैं उनमें ना जाकर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में आए, म्यूज़िक में आए, आर्ट में आए, स्पोर्ट्स में जाएँ, कोई अच्छा ही काम करें, अपना नाम बनाएँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सारे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, और मेरे को भी इंटरेस्ट है इन सब में, तो जिन सबको इंटरेस्ट है तो वो कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने सारे स्केचेस बनाए हैं, ये सारे पेंसिल से है, और ये मैंने इनको ट्रिब्यूट किया था जब पेंसिल से बनाया था, इनको ट्रिब्यूट दिया था, और ये मेरा मतलब सबसे फर्स्ट या सेकेंड स्केच था ये वाला। और हाँ जी, इनका भी मैंने बनाया था विदित जम्वाल का, ये विराट कोहली जी का बनाया हुआ है। आइडियाज़ में को जब मतलब जैसे हॉलीडेज हुई होती है तो मेरे को इंटरेस्ट होता है कि मैं बनाऊं, तो मैं थोड़ा खुद थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूं कि क्या नई नई चीज़ें मैं कर सकता हूं। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा अपनी कंपोजिशन से मैंने किया था कि मैं कंपोजिशन से बनाता हूं अपनी। तो एक पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा व्यूज भी लेकर, हाँ जी, वो मेरी ये सोनू सूद जी की थी, इनकी मैंने पेंटिंग बनाई थी, तो इन सोनू सूद ने सर ने शेयर किया था, कमेंट भी किया था, इसमें 9 लाख व्यूज़ आए थे इंस्टाग्राम में। तो अच्छा लगता है जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे फेवरेट एक्टर्स है। कहानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट मीडियम में मैंने बनाया था, यहाँ पे जो भी ग्लिटर लगा है, इधर ग्लू लगाई थी पहले, फिर ग्लू के बाद मैंने जब ग्लिटर ऐसे स्प्रिंकल किया था तो ये सारे इसमें मतलब चिपक गया था जहाँ पे ग्लू लगी है,
तो ये सारा जगह फिर ये सपोर्टेड बन गया। हाँ वैसा ही तो कुछ था। मैं समन्वी शर्मा और हम यहाँ पे सारे मिलके ड्राइंग बना रहे हैं। नो स्मोकिंग के ऊपर हमारा स्लोगन है वो आज का। हम सारे मिलके यहाँ पे कलरफुल ड्राइंग बना रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी बाहर ला रहे हैं। तो ये क्या स्केलेटन बनाया आपने? तो क्या क्या नाम है आपके? जसराज। मेरा नाम जितवन। आपका क्या नाम है? जितवन। अच्छा लग रहा है यहाँ पे जितवन जसराज? तो लगता है यहाँ से कुछ सीख के जाओगे। तो मैम कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? फ्रेंड्स भी आए हैं या अकेले आए हो? अकेले आए हो लेकिन मज़ा आ रहा है। लगता है कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। ओके सरितु, आपकी पेंटिंग हम देख रहे हैं, एक इनोवेटिव आइडिया बता रही है, क्या सिंबॉलिफाई करती है आपकी ये पेंटिंग? अगर हम स्मोकिंग को, ड्रग्स को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा फ्यूचर ये हो सकता है, और अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा फ्यूचर ये हो सकता है। कोई यहाँ पे डेथ वगैरह की बात की हुई है, यहाँ पे कोई भी जो है लिविंग थिंग नहीं बचा है, बट यहाँ पर है, यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल है ये, और यहाँ पर डार्क। अब ये बताओ, आपने सिंह से इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है, तो आजकल के जनरेशन में देख रहे हैं कि बच्चे बच्चियाँ जो भी कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर नशे की तरफ चले जाते हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे?